कांग्रेस ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करके 3 सीटें हासिल तो कर ली, लेकिन आपसी खींचतान और गुटबाजी की वजह से 2 सीटें तो पहले से ही हारती दिख रही है। वजह ये कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को न तो कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी पसंद है और न ही उदित राज की। इसी वजह से पहले कन्हैया कुमार को अपमानित होकर प्रदेश कार्यालय से चुपचाप खिसकना पड़ा और अब जब उदित राज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि पार्टी ने अच्छे प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया। कार्यकर्ताओं ने उदित राज की गाड़ी को घेरने की कोशिश भी की। इससे गुस्साए उदित राज ने कहा कि नारेबाजी करने और करवाने वाले नेताओं की वजह से ही कांग्रेस पिछले चुनाव में दिल्ली में 4% वोट पर सिमट गई है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों के संग्राम में कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी तो मैदान में उतार दिए, लेकिन चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल को छोड़ बाकी दोनों कन्हैया कुमार और उदित राज का जमकर विरोध हो रहा है। कन्हैया कुमार से तो संदीप दीक्षित बैठक के दौरान उलझ ही गए और कन्हैया कुमार को बाहरी तक कह डाला। कांग्रेस के स्तर पर उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार का लगातार विरोध हो रहा था। प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवलिया फिर पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को टिकट दिए जाने की मांग की जा रही थी। इसी तरह उत्तर पश्चिमी सीट से उदित राज की जगह भी पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान या फिर पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार को टिकट दिए जाने की सिफारिश स्क्रीनिंग कमेटी ने की थी, लेकिन आलाकमान ने कन्हैया कुमार और उदित राज को दिल्ली पर थोप दिया। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल की मांग चौतरफा थी। उनको टिकट दिए जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने संतुष्टि जताते हुए कहा कि सिर्फ एकमात्र जेपी अग्रवाल का टिकट ही सही मायने में सही है, बाकी तो बस पार्टी का भगवान ही मालिक है। प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसियों का कहना है कि दिल्ली में पार्टी वैसे ही हाशिए पर खड़ी है, ऐसे में स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश को दरकिनार किया जाना संगठन के हित में बिल्कुल भी नहीं है। प्रदेश कांग्रेस लगातार इस बात की मांग उठा रहा था कि दोनों जगहों से स्थानीय नेता को टिकट दिया जाए, लेकिन पार्टी आलाकमान ने उनकी बातों को दरकिनार कर दिया। कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर खासा गुस्सा है। कांग्रेसी कार्यकर्ता पहले ही बाहरी लोगों को चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं थे और लगातार चेतावनी दे रहे थे कि उनको टेबल लगाने वाले भी पूरे नहीं मिलेंगे, लेकिन चांदनी चौक सीट से वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जेपी अग्रवाल के उतरने से भाजपा के साथ मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अग्रवाल ने इस सीट से 3 बार 1984, 89 और 96 में लोकसभा प्रतिनिधित्व किया। वहीं व्यापारियों के गढ़ में भाजपा ने व्यापारी नेता प्रवीण खंडेलवाल को उतारा। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जेपी अग्रवाल की व्यापारियों में गहरी पैठ है। माना जा रहा है कि चांदनी चौक सीट पर जेपी अग्रवाल एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन के साथ आने वाले चुनाव में चौंका सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस पुराने वोट बैंक के साथ आम आदमी पार्टी का समर्थन भी भाजपा को कड़ी टक्कर दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।